हेलो हेलो गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो 2021 का हमारा जो फेवरेट स्किन केयर रूटीन है वो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जो चीजें जो थी हमारी प्रोडक्ट्स वो मैं 2021 में भी कुछ यूज करती थी, कुछ तो ऐसी प्रोडक्ट है जो मैं 2020 में भी यूज करती थी और 2019 में भी यूज करती थी, तो वो कंटिन्यूअसली मैं कौन से प्रोडक्ट अपने मतलब स्किन केयर के लिए यूज करती हूँ और उसी के साथ साथ ना मेरा 2020 का जो फेवरेट प्रोडक्ट है कंटिन्यू यूज करने वाली वो कौन सी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो में एंड तक जरूर से बने रहिए। तो चलो शुरू करते हैं हमारी फर्स्ट प्रोडक्ट से। तो सबसे पहले जो स्किन केयर की बात आती है तो उसमें टोनर, क्लींजर और मॉइस्चराइजर जो है वो सबसे बड़ा रोल है जिनका। तो यहाँ पे आके मैं जो 2021 में जो क्लींजर यूज करती थी वो है सिटाफिल का ऑल जेंटली स्किन क्लींजर। ये सेंसिटिव स्किन के लिए पर्टिकुलरली नहीं है, ये ऑल स्किन टाइप के लिए है, जिसको ना एक रेगुलर सा क्लींजर चाहिए जो कि ज्यादा मॉइस्चराइज ना हो, मतलब पूरा स्किन पे चिपक ना जाए, और बहुत ही लाइट वेट मॉइस्चराइजर हो, तो ये जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। और इसका जो मॉइस्चराइजर क्रीम है ना वो भी बहुत ज्यादा अच्छी आती है, लेकिन मेरी स्किन पे वो सूट नहीं करती है तो मैं उसे नहीं यूज करती हूँ, लेकिन ये बहुत ही जेंटली मेरी स्किन पे बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। तो मस्ट मस्ट मस्ट, अगर आपकी स्किन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपकी स्किन टाइप कौन सी है या तो फिर आपकी स्किन टाइप सेंसिटिव है, तो आप इस क्लींजर को 100% यूज कर सकते हो और ट्रस्ट मी ये आपकी स्किन पे बहुत ही अच्छे से वर्क करने वाली है। ये इसकी छोटी बॉटल है जो कि 250 ml है, ये ऑलमोस्ट खाली होने को आई है, इसे मैं 2021 की स्टार्टिंग में लेके आई थी, तो ये बहुत ही एक अच्छा ऑप्शन है। इसकी प्राइस ऊपर मेंशन नहीं है, तो जो जो चीजों की प्राइस ऊपर मेंशन नहीं होगी वो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक के साथ मिल जाएगी प्राइस, तो उसे मस्ट चेक करना अगर आपको इसमें से कुछ भी चाहिए। तो ये तो था क्लींजर। सेकंड है टोनर। तो टोनर स्टिल मैं अभी भी जो 2019 में यूज करती थी वही मैं कंटिन्यूअसली यूज करती हूँ, जो कि ओरिफ्लेम का टोनर। इसका पैकेजिंग जो है वो थोड़ा सा अलग था 2020 और 2021 में। तो ये है एक हाइड्रा रेडियंस टोनर, ये ना मैं बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ और इससे मुझे स्विच करने का कोई भी नया ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसकी कंपैरिजन ना कहीं भी नहीं मिल रही है। ये स्पेशली मैं जब इंडिया में थी तब इसकी 3 बॉटल लेके आई थी और अभी भी कंटिन्यूस यही चल रही है। तो ये छोटी वाली है, इसकी जो है वो 150 ml है और इसकी प्राइस अगर देखें तो 599 है 150 ml में। थोड़ा सा कॉस्टली है ये वाला, लेकिन फिर भी आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट है, आपको दूसरे ऑप्शन नहीं देखने पड़ेंगे। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो ये वाला ऑप्शन ना बहुत ही बेस्ट है। तो ये हो गया क्लींजर और टोनर। अभी हम मॉइस्चराइजर, तो मॉइस्चराइजर में मेरे पास 2 ऑप्शन है। अगर मैं दिन में मॉइस्चराइजर लगाती हूँ तो मैं ये यूज करती हूँ। अभी अभी 2020 के एंड लास्ट 6 मंथ या 8 मंथ से मैं इसको यूज कर रही हूँ और ये न्यूट्रीजिना का ऑयल फ्री एक्ने मॉइस्चराइजर है। जब मैं यहाँ पे आई ना तो ड्राइनेस की वजह से ना मेरी स्किन पूरी की पूरी बिगड़ चुकी थी और पिंपल्स तो मतलब हद ही उन्होंने कर दी थी कि स्टॉप होना ही नहीं है हमको तो। लेकिन बहुत सारी चीजों को मैंने जैसे जैसे चेंज किया वेदर के हिसाब से, तो नाउ मेरी स्किन काफी ज्यादा अच्छी हो गई और पिंपल्स बहुत ही रेयर केस में आते हैं, इतने ज्यादा नहीं आते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है न्यूट्रीजिना का ऑयल फ्री एक्ने। अगर मुझे यहाँ पे आके एक चीज पता चली कि अगर आपकी स्किन जो है उसपे बहुत ज्यादा पिंपल्स हो रहे हैं तो आप ऑयल बेस्ड मॉइस्चराइजर को स्किप करके आप जो है वो वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर को यूज करो, क्योंकि उसमें जो ऑयल की क्वांटिटी होती है वो बहुत ज्यादा कम होती है, जिसकी वजह से ना आपके स्किन पे जो पिंपल्स की प्रॉब्लम है, जो ओपन पोर्स की प्रॉब्लम है, वो सारे धीरे धीरे कम होते जाएंगे, क्योंकि वाटर बेस्ड मॉइस्चराइजर में ना ऑयलीनेस बहुत ज्यादा कम होती है और वो आपकी ऑयली सेंसिटिव स्किन को बैलेंस करके फिर जो आपकी स्किन को जितना मॉइस्चर चाहिए उतना ही लाती है और ये काफी ज्यादा लाइट वेट होते हैं, तो ये एक बहुत ही अच्छा गुड ऑप्शन है। ये है 118 ml
और इस पर ये भी मेंशन है क्लियर ब्रेकआउट्स लाइट वेट मॉइस्चराइजर, तो ये डेफिनेटली 100% मेरी स्किन के लिए तो बहुत ही अच्छे से वर्क करता है और स्टिल इस पर भी प्राइस मेंशन नहीं है। तो यहाँ पे मैंने एक बॉटल इसकी खाली कर दी है और ये दूसरी भी है मेरे पास, तीसरी भी मैंने एडवांस में लेके रखी है क्योंकि इसका स्टॉक ना बहुत जल्दी से खाली हो जाता है। तो जब भी मैंने ये बाई की थी उसके बाद ये लेने के लिए ना मुझे अराउंड से अराउंड 20-25 डेज वेट करना पड़ा था, तब ये रीस्टॉक हुआ था और उस टाइम पे मैंने दो और बाय कर ली थी। तो टोटल अभी मेरे पास फुल बॉटल 3 पड़ी है और एक ये जो मैंने कंप्लीट कर दी है। तो ये सोच लो कि ये कितना अच्छा है। अभी ये तो बात हो गई ये दिन के मॉइस्चराइजर के लिए, इसको मैं मॉर्निंग में यूज करती हूँ जब मुझे कहीं बाहर जाना होता है या डेली रूटीन में मॉर्निंग में मैं इसे यूज करती हूँ। और सेम न्यूट्रीजिना का नाइट क्रीम है जो कि हाइड्रा बूस्ट है, ये स्पेशली नाइट क्रीम सेंसिटिव स्किन के लिए है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। लेकिन इससे मुझे ना थोड़े से प्रॉब्लम हो जाते हैं, कभी कभी जो मेरे पिंपल्स है वो ब्रेकआउट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी स्किन का जो मॉइस्चर है, स्किन का जो टेक्सचर है वो मॉर्निंग में बहुत ही अच्छा होता है। तो नाइट में मैं इसको यूज करती हूँ और दिन में मैं इसे यूज करती हूँ, तो ये दोनों कंटिन्यूअसली रहेंगे 2022 में। इसकी सेकेंड बॉटल मैं लूंगी या नहीं अभी कुछ फाइनल नहीं है, लेकिन अभी तो है ये फेवरेट लिस्ट में। ये हो गया क्लींजर, टोनर और मॉइस्चराइजर। अभी हम बात करते हैं सनस्क्रीन के बारे में। सनस्क्रीन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। अगर आपको ये लगता है कि आपके ब्रेकआउट्स बहुत ज्यादा बार ना आए और फ्लॉलेस स्किन लगे, तो उसके लिए ना आपको सनस्क्रीन यूज करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं न्यूट्रीजिना का ही यूज करती हूँ जो कि है अल्ट्रा शील फेस मिस्ट सनस्क्रीन, और इसमें है SPF 50 जो कि बहुत ही अच्छा होता है आपकी स्किन के लिए। और ये एक ना स्प्रे बेस है, इसकी वजह से मुझे ना काफी ज्यादा ये बहुत ही यूज करना इजी लगता है, क्योंकि बाकी जो सनस्क्रीन है ना वो एकदम स्किन पे लगने के बाद ना वो हैवी हैवी फील होता है। इसको यूज करने के बाद ना आपको बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होगा, यानी कि आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि कोई मैंने सनस्क्रीन भी अप्लाई किया हुआ है। तो ये है एक इम्पोर्टेंट चीज। देन हम मूव करते हैं फेस वॉश पे। तो अभी हमारा करंट जो मेरा फेवरेट है वो है न्यूट्रीजिना का अल्ट्रा जेंटल फेस वॉश। तो इसमें ना ये डेली क्लींजर है और ये स्पेशली सेंसिटिव स्किन के लिए है जो कि मेरी है, और इसको ना लगाने के बाद आपको वो ड्राइनेस एकदम फील नहीं होगा। इसको मैं विंटर समर हर बार यूज करती हूँ, मैं कोई ऐसा अभी नहीं कर रही हूँ कि विंटर में अलग समर में अलग। तो यही एक जो है फेस वॉश वो कंटिन्यूअसली चल रहा है। कभी कभी स्किन का मूड चेंज करने के लिए ना मैं ये ओरिफ्लेम का हाइड्रा का फेस वॉश जो है वो यूज कर लेती हूँ। तो ये दोनों मैं रिप्लेसमेंट में चलाती हूँ। अभी इसका एक ही बॉटल है तो इसको मैं ज्यादातर यूज नहीं करती हूँ, महीने में एक दो बार कभी कभी मूड हो जाए तो मैं ये लगा लेती हूँ, अदरवाइज तो ये ऑल टाइम फेवरेट है मेरा। इससे मैं कम से कम दिन में 3 times अपना फेस को वॉश करती हूँ और वो मेरे लिए बेस्ट वर्क करता है। तो ये था फेस वॉश के रिगार्डिंग। तो फेस वॉश, क्लींजर, टोनर, मॉइस्चराइजर सब कुछ आ चुका है, लेकिन जब जब हम मेकअप करते हैं तो मेकअप रिमूव करने के लिए हम क्या यूज करते हैं ना, वो भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है स्किन केयर के लिए। तो मैं यहाँ पे यूज करती हूँ मेकअप रिमूवर करने के लिए ऑप्टिमल का हाइड्रा ओरिफ्लेम की ब्रांड है ये। तो ये है हाइड्रा मस्कुलर क्लींजिंग वाटर। मैं पहले गार्नियर का यूज करती थी लेकिन उसमें ना मुझे कुछ इतना मजा नहीं आया। वो मेकअप तो रिमूव कर देता है अच्छे से, लेकिन जो आपके स्किन के ब्रेकआउट्स है ना वो बहुत ही ज्यादा मेरे पर्सनली दिखने लगते हैं, तो इसकी वजह से मुझे ये कुछ इतना ज्यादा पसंद नहीं आया था। लेकिन इसको यूज करने के बाद ना मेरे ब्रेकआउट्स या ओपन पोर्स इतने ज्यादा नहीं निकलते हैं, तो इसकी वजह से ना ये मेरा अभी का ऑल टाइम फेवरेट है। और एक और चीज, जब भी मेरी स्किन मुझे अनइवन दिखने लगती है, जैसे कि यहाँ पे मिकी माउस बन जाता है, नोज के अराउंड में थोड़े से डार्क शेड में चला जाता है, हेड थोड़ा डार्क होता जाता है, तो उस टाइम के लिए मैं ये यूज करती हूँ दी ऑर्डिनरी का नियासिनेमाइड 10% प्लस जिंक 1%। अभी क्या है ना, थोड़ी सी एज होने के बाद ना आपको ये यूज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और जिंक जो है वो आपकी स्किन के लिए बहुत ही बेस्ट काम करता है। तो इसे 100% ट्राई करो, आपकी कोई भी स्किन हो ये ऑल स्किन टाइप के लिए बेस्ट है। द ऑर्डिनरी की बहुत सारी और भी प्रोडक्ट आती है जो कि काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन पर्सनली
मुझे ये सबसे फेवरेट वाली लगी है, तो इसको मैं कंटिन्यूअसली डेफिनेटली 2022 में करने वाली हूँ। और ये हो गई सारी स्किन केयर की बातें। अभी स्किन केयर के साथ साथ ना अपने होठों को भी मॉइस्चराइज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है विंटर टाइम में, तो उसके लिए ना मैं ये यूज करती हूँ वैसेलिन लिप थेरेपी। इसमें बहुत ज्यादा अलग अलग शेड आते हैं, लेकिन ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। अगर आपके लिप्स जो है उसमें ब्लैक और ब्राउनी शेड होते रहते हैं, थोड़े से डार्क लिप हो जाते हैं कभी कभी अलग और मतलब लिप बाम यूज करने की वजह से, तो आप इसे यूज करो। जो भी आपके होठों की ब्लैकनेस है ना वो अच्छे से रिमूव हो जाएगी, और जो आपके पिंकिश शेड है ना वो बहुत अच्छे से निकल के आएगा। तो ये जो है वो 2022 में 100% मैं यूज करने वाली हूँ। ये मेरा थर्ड टब है जो कि मुझे बहुत ज्यादा पसंद आता है। ये जो सारे स्किन केयर प्रोडक्ट है ना वो मेरे 2021, 2020, 2019 ये कंटिन्यूअसली यूज होते आ रहे हैं, और नेक्स्ट ईयर भी मैं इसे यूज करने वाली हूँ। आई नो कि अभी तो 2022 की थोड़ा टाइम चला गया है, लेकिन अभी ये तो है नहीं ना कि सेकंड डे आया और मैंने सारा अपना स्किन केयर चेंज कर दिया। मेरे साथ तो भैया ऐसा नहीं होता। अगर मुझे कुछ भी रिप्लेस करना होता है तो मैं वेट करती हूँ अंटिल कि जब तक वो खाली ना हो जाए मेरा पुराना बॉटल, फिर ही मैं कुछ न्यू पैसे स्पेंड करती हूँ, क्योंकि हमारे पास फोकट के पैसे है नहीं। तो इसीलिए ना मेरा स्किन केयर सडनली कभी भी चेंज नहीं होता है, मैं कुछ कुछ प्रोडक्ट्स चेंज करती रहती हूँ अपने स्किन केयर के बीच बीच में। तो अभी 15 दिन हो चुके हैं ऑलमोस्ट, और मैं फाइनल कर चुकी थी कि हाँ मुझे कौन सा कंटिन्यूअस रखना है, जो नहीं करना है उसको मैंने रख दिया है। तो बस यही मेरे कंटिन्यूअस प्रोडक्ट है 2022 के। आपके कौन से हैं मुझे नीचे कमेंट करके जरूर से बताना। तो कैसा लगा आपको मेरा ये वीडियो, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना और कमेंट बॉक्स में ढेर सारा प्यार दिखाना। तो चलिए मिलते हैं ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू एंड टेक केयर।